दोस्तों जब से अमेरिका अपने साथी के साथ मिलकर यमन के ऊपर हमला किया है तब से हुतीज के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। दोस्तों अमेरिका ने यह सोच करके यमन के ऊपर हमला किया था कि यमन और उसके लड़ाके हुतीज उस हमले से डर जाएंगे और वह रेड सी को छोड़कर कहीं छिप जाएंगे और रेड सी पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के ऊपर हमला किया है हुतीज के कई ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है जिसमें हुतीज के काफी ज्यादा हथियार तबाह हो गए हैं। लेकिन फिर भी रेड सी में हुतीज के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों कल यानी कि मंगलवार को यमन के हुतीज ने एक बार फिर से रेड सी में दो जहाजों पर हमला कर दिया है। इसका नाम है माल्टा फ्लैगशिप। यह एक कार्गो शिप था जो सामान लेकर के जा रहा था। यह रेड सी के नॉर्दर्न पार्ट में मौजूद था जिस पर हुतीज ने कई मिसाइलें दागी जिसमें से कुछ मिसाइल इस शिप पर जाकर के टकराई और इस शिप को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि यह अभी भी वर्किंग है और यह आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों यह हमला तब किया गया जब अमेरिका ने फिर से यमन को धमकी दे रहा था कि हम फिर से यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे क्योंकि हमने जो यमन के ऊपर हमले किए हैं उनमें हुतीज का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और हुतीज के पास अभी भी काफी मात्रा में हथियार मौजूद है और इसी के जवाब में फिर से हुतीज ने जहाजों पर हमला कर दिया। दोस्तों इस बात से तो यह साबित होता है कि यमन के जो हुतीज हैं वह अमेरिका से बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। जब जब अमेरिका उन पर हमला करता है या फिर उन पर हमला करने की धमकी देता है वह तब तब किसी न किसी शिप को टारगेट करके उस पर मिसाइल स्ट्राइक जरूर करता है और यह हमला पिछले हमले से भी ज्यादा बड़ा होता है। और वहीं दूसरे शिप पर यमन के जो हुतीज ने हमला किया है उसका नाम है जोग्राफिया। यमन के हुतीज ने इस शिप पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि हमले में किसी भी लोग की जान नहीं गई है या फिर कोई भी घायल नहीं हुआ है। इस हमले के तुरंत बाद यमन के जो स्पोक्स पर्सन है याया सरिया ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है और इस हमले को कंफर्म करते हुए कहा है कि हाँ हुतीज ने फिर से रेड सी में जहाजों पर हमला किया है और यह हमला तब तक होते रहेंगे जब तक इसराइल गाजा के ऊपर बम बरसाना बंद ना करे और गाजा को पूरी तरह से आजाद ना करे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अमेरिका से नहीं डरते हैं। अगर अमेरिका ने फिर से हमारे ऊपर हमला किया तो हम अमेरिका पर भी हमला करेंगे, उनको घर में घुस के मारेंगे। उनके लिए हमें चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे, लेकिन अब अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। जब अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला किया उसके सुबह ही अमेरिका के दो जंगी जहाज गायब हो गए और अमेरिका ने उसे काफी ढूंढा लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लगा। इसलिए दुनिया को लग रहा है कि यह भी हुतीज का ही काम है। और फिर उस हमले के 24 घंटे बाद ही यमन ने डायरेक्टली अमेरिका के नेवी शिप पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी। दोस्तों यमन की तो दाद देनी पड़ेगी क्योंकि पूरी दुनिया यमन के खिलाफ है और वह फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। वह लगातार गाजा के सपोर्ट में रेड सी में मोर्चा संभाले हुआ है। दोस्तों यमन उन अरब देशों की तरह कायर नहीं है जो ना कि इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर उन देशों पर भी हमला कर रहा है जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए यमन के इस जज्बे को हमारा सलाम। तो दोस्तों ये थे यमन के बारे में कुछ अपडेट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल या फिर फिलिस्तीन को, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।